हाय, आई एम डॉक्टर उर्विशा, क्लिनिकल फिजियोथेरापिस्ट। आज हम राउंडेड शोल्डर्स को ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए इसके बारे में बातें करेंगे। मोबाइल का यूज़ करते समय, टीवी देखते समय, कंप्यूटर या लैपटॉप का यूज़ करते समय हम लंबे समय तक उस स्थिति में बैठे रहते हैं, तब हमारे कंधे रेस्टिंग पोजिशन में होते हैं। इस स्थिति में कंधे फॉरवर्ड मुँह होते हैं, जिसकी वजह से शरीर का आइडल अलाइनमेंट मेंटेन नहीं रहता, और इसी बैड पॉस्चर में बैठने की हैबिट की वजह से आपको राउंडेड शोल्डर्स की पॉस्चरल डिफॉर्मिटी हो सकती है। अब जानेंगे कुछ एक्सरसाइजेस के बारे में, जिसकी हेल्प से आप अपने राउंडेड शोल्डर्स को ठीक कर सकेंगे। इस एक्सरसाइज को करने के लिए दीवार पर अपना हाथ इस तरह से रख लीजिए। अब आपके एक पैर को आगे करके थोड़ा झुकिए, जिसकी वजह से आपको आपकी चेस्ट में खिंचाव महसूस होगा। इस पोजीशन को 30 सेकंड्स होल्ड करके रखिए, फिर रिलैक्स हो जाइए। इस तरह इस एक्सरसाइज को 3 से 5 बार रिपीट कीजिए। इस तरह दोनों हाथों में कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से आपके पेक्टोरालिस मेजर और पेक्टोरालिस माइनर मसल्स स्ट्रेच होंगे, जिसकी वजह से आपके शोल्डर की रेंज ऑफ मोशन और फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए स्ट्रेट खड़े हो जाइए। अब दोनों हाथों को पीछे से पकड़कर जहां तक ऊपर जा सके ले जाइए, पर ध्यान रखिए आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाते समय स्ट्रेट खड़े रहना है, आगे झुकना नहीं है। अब इस स्थिति को 30 सेकंड्स होल्ड करके रखिए, फिर रिलैक्स हो जाइए। इस तरह इस एक्सरसाइज को 3 से 5 बार रिपीट कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से शोल्डर्स की रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी और आपको आपके पोस्चर को सुधारने में भी हेल्प मिलेगी। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपने दोनों हाथों को डोर की दोनों साइड्स पर ऐसे रख लीजिए, फिर अपने एक पैर को आगे करके थोड़ा झुकिए। जब आपको शोल्डर्स और चेस्ट में खिंचाव महसूस हो, तब इसे 30 सेकेंड्स होल्ड करके रखिए, फिर रिलैक्स हो जाइए। इस तरह इस एक्सरसाइज को 3 से 5 बार रिपीट कीजिए। इस एक्सरसाइज को करने से आपके शोल्डर्स और अपर बैक की रेंज ऑफ मोशन बढ़ेगी, आपके शोल्डर्स, नेक और अपर बैक पेन को कम करने में भी हेल्प मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आज हमने इस वीडियो में जाना कि राउंडेड शोल्डर्स हमारी कौन कौन सी बैड हैबिट्स की वजह से होते, और यह भी जाना कि राउंडेड शोल्डर्स को ठीक करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।